नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम एक बार फिर हाजिर है आप लोगों की सेवा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूंग दाल के फायदों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर दाल के अपने पौष्टिक गुण होते हैं। वैसे दाल में प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, यही वजह है कि बढ़ रहे बच्चों को दाल का अधिक से अधिक सेवन करने की सलाह दी जाती है। हालांकि तमाम दालों के बीच मूंग की दाल को स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, आमतौर पर इसे रोगियों के भोजन के तौर पर देखा जाता है, मरीजों को दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पच जाती है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि स्वाद में यह फीकी होती है। मूंग की दाल को तरीके से बनाया जाए तो यह किसी भी अन्य दाल की तरह ही स्वादिष्ट लगती है। दोस्तों, मूंग की दाल से कई चीज़ें बनती है। कुछ लोग तो इसे पापड़ बनाकर खाते हैं, कुछ बढ़िया तो कुछ लोग इसको लड्डू बनाकर खाना पसंद करते हैं। पर मूंग दाल का हलवा भारतीय व्यंजनों का एक प्रमुख हिस्सा है। दोस्तों, मूंग दाल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सुपाच्य होती है और ठंडक शरीर में प्रदान करती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं इसके कुछ लाजवाब फायदों के बारे में। दोस्तों, मूंग दाल की अगर खिचड़ी खाते हैं तो कब्ज़ की समस्या दूर होती है। मूंग को हल्का गर्म करके पीस लें, फिर इस पाउडर में कुछ मात्रा पानी की मिलाकर लेप की तरह पूरे शरीर पर अगर मसाज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने की अगर शिकायत है तो वो दूर होती है इस लेप से। इसके अलावा अगर आपको दांत खाज खुजली की समस्या है तो मूंग की दाल को छिलके सहित पीस लें। इस लेप को प्रभावित जगह पर लगाने से काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों, टाइफाइड होने पर इसके सेवन करने से रोगी को बहुत जल्दी राहत मिल जाती है। लेकिन सादी मूंग की दाल का सेवन करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, किसी भी बीमारी के बाद शरीर कमज़ोर हो जाता है, ऐसे में मूंग की दाल खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है और कमजोरी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ लाजवाब फ़ायदे। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की जानकारी आप सभी लोगों के लिए, जो कि थी खास तौर पर मूंग की दाल के फ़ायदों के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।